यार बजट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नाम पे मार्केट में वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें कि सबसे लोएस्ट प्राइस में कौन सा आ सकता है, तो वो है ओला का ओला S1 एयर। लेकिन अब उसकी डिलीवरी डेट क्या होगी, कब वो फाइनली लॉन्च होगा, कब पेमेंट विंडो खुलेगा, उसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो ओला S1 एयर सिर्फ एक ही वेरियंट अभी अवेलेबल है, पहले 2 किलोटार 4 किलोटार भी था जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, सिर्फ 3 किलोटार का बैटरी पैक है जिसका एक्सोरूम प्राइस 1,09,999 रुपये। ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो मिनिमम ये मान सकते हो आप 1,25,000 रुपये के आसपास पड़ेगा। अब आप एक्सटेंड वारंटी लेते हो तो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड हो जाएगा, तो लगभग ये मान सकते हैं 1,25,000 रुपये के अंदर एक ट्रस्टेड कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर हम कहें एक ब्रांडेड कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप जाते हो तो चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में बहुत है, लेकिन उनकी प्राइस भी वही 1,10,000 1,12,000 आती है। अब उनसे बेहतर तो यह है जहाँ पर आपको स्पीड भी कितनी मिलती है, 90 किलोमीटर की टॉप स्पीड मिलती है, 3 मोड मिल जाते हैं, रिवर्स मोड मिल जाता है, बूट स्पेस 34 लीटर का, फ्लैट डैशबोर्ड, ग्रैब हैंडल, काफ़ी कुछ है ओला के इस ओला S1 एयर के अंदर। डैशबोर्ड की बात करें तो पूरा फुली स्मार्ट डैशबोर्ड मिलता है और वो भी म्यूजिक सिस्टम के साथ। अभी देखो मैं बताने वाला हूँ आपको कि इसकी जो पेमेंट विंडो है वो कब खुलेगी। तो 15 से 20 जुलाई के बीच में एक ओला की तरफ से इवेंट होने वाला है। इवेंट मतलब वही है कि इनका जो लाइव स्ट्रीम होता है उस तरीके से इवेंट होगा, एक प्रीमियर चलेगा वीडियो, उस वीडियो के चलते ही पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगी ओला इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पे, जहां पर जाके आपका मतलब अगर आपने रिजर्व कर रखा है तो जो आपका बैलेंसिंग अमाउंट है वो आपको पे करना होगा। मतलब 1,09,000 समथिंग तो ये हो गया आपका अमाउंट, प्लस जो भी आपके इंश्योरेंस का लगेगा, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, कुछ एसेसरीज वहाँ से परचेस करना चाहते हो, तो उन सब का चार्जेस ऐड होकर जो भी अमाउंट होगा वो आप वहाँ पे पे कर सकते हो। ईएमआई वहाँ पे आप करवा सकते हो, किसी भी बैंक से आप लेना चाहते हो वहाँ से। और डिलीवरी जो है ये मुझे लगता है 15-20 दिन या फिर 25 दिन के अंदर स्टार्ट कर देंगे, जैसा ओला S1 के साथ किया था ना। ओला S1 कब लॉन्च हुआ था, 15 अगस्त को इन्होंने प्री बुकिंग स्टार्ट करी और 1 सितंबर से था क्या पेमेंट विंडो ओपन हो जाएगा। पेमेंट विंडो होने के 7-10 दिन में आपको स्कूटर डिलीवर भी हो जाएगा। सेम ऐसा ही ओला S1 एयर में भी होने वाला है, पेमेंट विंडो जिस दिन ओपन होगी उसके 7-10 दिन में आपको गारंटेड डिलीवरी करने कराने की बात की जाएगी, क्योंकि अभी की डेट में तो इनके 500 से ज़्यादा ओला एक्सपेंस सेंटर भी है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था ओला S1 एयर को लेके या फिर बजट इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे लोवेस्ट प्राइस के इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना, क्या आपने ओला S1 एयर बुक कर रखा है या फिर आप ओला S1 एयर लेना चाहते हो या फिर आप सोच रहे थे, मन बना रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ओला S1 एयर को लेने की, तो कमेंट में जरूर बताना। या फिर आप पेट्रोल व्हीकल की तरफ स्विच हो रहे हो ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके बाय।